मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आठवां नियम है, इसका बिल्कुल उल्टा है। आठवां नियम ये है कि रात को जब भी खाना खाएं तो 2 घंटे तक आराम नहीं करना। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना, रात को कभी भी खाना खाके 2 घंटे बाद ही आराम करना। अब आप बोलेंगे रात का क्या है? रात की बात ऐसी है कि सूर्य चला गया, चंद्रमा आ गया। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा शीतल है तो शरीर भी शीतल है, और शरीर शीतल है तो ब्लड प्रेशर लो है, और जब लो बीपी होता है तो काम ही करना चाहिए। आराम करेंगे तो फिर तकलीफ आएगी हार्ट को। किसी भी डॉक्टर से आप अगर एक जनरल नॉलेज के लिए बात करेंगे, हाई बीपी में क्या करूं, तो वो बोलेगा आराम करो, लो बीपी में क्या करूं, तो तुरंत कहेगा काम करो। तो लो बीपी होता है रात को खाना खाने के बाद, तो हम थोड़ा आराम करें, सॉरी काम करें। सबसे अच्छा काम क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है रात को खाने के बाद सबसे अच्छा काम है टहलना, वॉकिंग। कितना टहलना? कम से कम 500 कदम गिनकर, अधिक से अधिक 1000 कदम, 500 तो कम से कम। तो आप जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक शुरू कर लीजिए, खाने के बाद, भले गली में कर लीजिए, अंधेरा है लाइट नहीं है तो छत पर कर लीजिए, आपके पिछवाड़े में कर लीजिए, गिन के आपको 500 कदम चलना। जिंदगी आपकी इतने आराम से कटेगी, शाम को खाने के बाद जो इवनिंग वॉक कर लें 500 कदम 1000 कदम, इतने आराम से कटेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं? मॉर्निंग वॉक के लिए इसलिए मना कर रहा हूं कि भारत में सवेरे सवेरे हम जब सोकर उठते हैं तो शरीर में वात का प्रकोप होता है, वात वायु, और वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वायु और बढ़ता है। तो वायु का प्रकोप है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, 80 रोगों का कारण होता है। इसलिए भारत के आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि सुबह के समय में आराम से बैठकर योग करें, प्राणायाम करें, जिसमें दौड़ भाग ज्यादा ना हो, और रात को खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो दौड़ भाग करें, वॉकिंग करें, फास्ट वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, मीडियम स्पेस में करें, मीडियम स्पीड में करें, जैसे करें वॉकिंग रात को, कम से कम 1000 करें। दोपहर को खाने के बाद आराम, और रात को खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग, और फिर थोड़ा कुछ इधर उधर का काम, कुछ रीडिंग, कुछ स्टडी, 2 घंटे बिता दीजिए। खाना आपने 7 बजे खा लिया तो 9 बजे तक समय निकाल दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए, या 8 बजे खा लिया तो 10 बजे तक का समय बिता दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।